श्रोमणीय अकाली दल के सीनियर नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया के काफिले के साथ चल रही एक पायलट गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस दुर्घटना में एक गनमैन की मौत हो गई जबकि 4 घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए DMC लुधियाना में भर्ती करवाया गया है। इस दुर्घटना में विक्रमजीत सिंह मजीठिया बाल बाल बच गए। देखिए प्रकार से यह हादसा हुआ है, जलालाबाद से श्री मुक्तसर साहब जाते समय मोगा बाईपास के समीप बने पुल पर एक ट्रक से पायलट गाड़ी टकरा गई है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। डिप्टी साहब, एक एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस पायलट गड्डी लिखा हुआ है, की एक्सीडेंट, कितने लोग जख्मी हुए, कितने मौत हुई? रात कोटपुरा चौक तो विक्रमजीत सिंह मजीठिया की कॉलवे जा रही थी बठिंडा साइड में, तो थोड़ा अगर बाईपास उत्ते जाके एक पिछले स्कॉट गड्डी का एक्सीडेंट होया, जिसे किसी ASF के जवान सवार से, वो गड्डी का एक्सीडेंट सामने आ रहे एक ट्रक के नाल टकराने करके होया। वो एक जवान की जी मौत हो गई सी, 4 जवान जख्मी ने, जिन्होंने अभी हस्पताल DMC रैफर रात करवाया, हस्पताल से इलाज नहीं। तो सर जो ट्रक वाला सी गलती कुछ पता लगे कि है? ट्रक का ड्राइवर रात मौके से दौड़ गया, ट्रक ने गड्डिया कब्जे से लै लिया, तफ्तीश पता लग जाए।